हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में डायगोनल्स के लिए टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू मेजर 0.01 एंड 0.1 ऑफ अ मीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर व्हेन 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड आरएफ एंड इंडिकेट ऑन द स्केल द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। फर्स्ट 5.55 मीटर, सेकंड 4.44 मीटर, थर्ड 3.33 मीटर। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले लिख लेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। कोई भी स्केल का प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको 4 डाटा लिखना होता है। सबसे पहला होता है आरएफ, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। सेकंड होता है यूनिट टू बी शोन। थर्ड होता है मैक्सिमम लेंथ और फोर्थ होता है लेंथ ऑफ स्केल। ये 4 डाटा लिखने के बाद ही आप स्केल बना सकते हैं। तो चलो हम यहां पे ये सभी 4 डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आरएफ, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आरएफ का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है या तो कभी कोई प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना होता है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी आरएफ इट मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू क्या दिया है? नहीं, आरएफ का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। इट मींस हमें आरएफ यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आरएफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ यूज इन ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखो यहां क्वेश्चन में लेंथ यूज इन ड्रॉइंग क्या दिया है, तो क्वेश्चन में देखो यहां पे लिखा है 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 सेंटीमीटर, इट मींस स्केल के ऊपर 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यह है लेंथ यूजिंग ड्रॉइंग हो गया 2.5 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ हो गया 1 मीटर। 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर से शो किया जा रहा है, इसका मतलब यह है। तो लेंथ यूजिंग ड्रॉइंग हमने लिखे और एक्चुअल लेंथ भी हमने लिखे और अब इससे हम आरएफ निकालेंगे। तो यहां पे देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसको कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो मीटर है हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, न्यूमरेटर एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर में 1 मीटर यानी हो जाएगा दैट इज 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसके जगह हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिए। अब यहां पे सीएम सीएम कट हो जाएगा, ठीक है, और अब 100 को 2.5 से डिवाइड करो तो वो हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/40। तो फाइनली हमें आरएफ मिल गया, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें मिल गया कितना, 1/40। 100 को 2.5 से डिवाइड करो तो आएगा 40। तो इस तरह से ये हमने पहला स्टेप सॉल्व कर लिए जो कि है आरएफ। और अब सेकंड स्टेप होता है यूनिट टू बी शोन। यूनिट टू बी शोन इट मींस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर आपको क्या क्या यूनिट शो करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू मेजर 0.01 एंड 0.0 दैट इज 0.1 ऑफ अ मीटर। इसका मतलब आपको यूनिट टू बी शोन में 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, ठीक है, आपको ये स्केल के ऊपर शो करना है। और क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है फाइंड आरएफ एंड इंडिकेट ऑन द स्केल द फॉलोइंग डिस्टेंसेस। देखो जो डिस्टेंसेस हमें इंडिकेट करना है वो सभी यहां पे दिए हैं, तो वो भी हम यहां पे लिख लेंगे। 5.55 मीटर, देन 4.44 मीटर और फिर 3.33 मीटर, ये भी यूनिट टू बी शोन में आएगा जो हमें स्केल के ऊपर शो करना है। ठीक है, और अब थर्ड होता है दैट इज मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो थर्ड होता है मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ जनरली क्वेश्चन में दिया होता है और अगर नहीं भी दिया है तो भी उसको निकालना काफी आसान है। देखो क्वेश्चन में लिखा है एंड लॉन्ग इनफ, देखो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही मिल जाएगा दैट इज एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। देखो लिखा है एंड लॉन्ग इनफ, इट मींस आप जो स्केल ड्रॉ कर रहे हैं वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सके, इसका मतलब ये है। तो मैक्सिमम लेंथ हो गया 6 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सके ऐसा हमें स्केल ड्रॉ करना है। और अब फोर्थ होता है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल जनरली क्वेश्चन में दिया नहीं होता, लेंथ ऑफ स्केल हमें जनरली फाइंड आउट करना होता है और लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप आसानी से लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आर एफ है हमारे पास कितना है 1/40 और मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर में है।
ठीक है। और लेंथ ऑफ स्केल मतलब यह है कि जो आप स्केल ड्रॉ करेंगे, आपको वो स्केल ड्रॉ करने के लिए आपको जो लेंथ चाहिए वो आपको यहां से मिलने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/40 × 6 और यहां पे हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 100 और ये अब सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये इस तरह से, और अब ये हो जाएगा 1/40 × ये 600, 600 को 40 से डिवाइड करो तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें लेंथ ऑफ स्केल यहां पे मिल चुका है। तो जैसा हमने कहा था कि कोई भी स्केल का प्रॉब्लम बनाते समय आपको सबसे पहले 4 डाटा लिखना है, 4 डाटा लिखना है, तो ये सभी 4 डाटा हमने यहां पे लिख लिया है। सबसे पहला होता है आरएफ, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो ये हमने आरएफ निकाले। सेकंड होता है यूनिट टू बी शोन, तो ये हमने स्टेप लिख लिए। थर्ड होता है मैक्सिमम लेंथ, तो ये भी स्टेप लिख लिए। और फोर्थ होता है लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना, तो ये हमने लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिए। और अब फाइनली ये डाटा का यूज करके अब हम स्केल ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्केल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम साइड में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने स्केल ड्रॉ करना शुरू किया है, और इसके पहले जो हमने 4 स्टेप जो हमने लिखे थे वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है साइड में, ठीक है। आरएफ, यूनिट टू बी शोन, मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल हमें मिला था 15 सेंटीमीटर, तो जितना भी लेंथ ऑफ स्केल होता है उतना हमें उतने सेंटीमीटर का हमें स्केल ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए हमने 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन बनाया है, और अब ये 15 सेंटीमीटर का यूज करके अब हम कंप्लीट स्केल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, और अब डायगोनल स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, तो डायगोनल स्केल के लिए हमें हाइट लेना होता है 5 सेंटीमीटर की। तो यहां से हम इधर से 5 सेंटीमीटर की हाइट ले लेंगे, ठीक है, और इधर से भी हम 5 सेंटीमीटर की हाइट ले लेंगे, और यहां पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 15 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर का बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, और अब हमें इसके अंदर स्केल ड्रॉ करना है। तो अब हमें इसको पहले डिवाइड करना है। कितने पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे? तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि देखो यहां पे मैक्सिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर, तो जितना मैक्सिमम लेंथ होता है उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होता है। 6 मीटर इसका मैक्सिमम लेंथ है, तो हम ये बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट कितने का आएगा? तो यहां जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो जब आप 15 सेंटीमीटर को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का आएगा। तो चलो यहां पे हर एक पार्ट 2.5 सेंटीमीटर का लेंगे, और यहां पे इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरे बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो यहां से हम यहां पे नंबरिंग देंगे, तो ये है 0, ठीक है, तो ये रहेगा 1 मीटर, ये 2 मीटर, देन ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, और इधर रहेगा 6 मीटर। और अब हम यहां पे मेंशन करेंगे, इधर लिखेंगे मीटर, बीच में लिखेंगे आरएफ, और इधर भी लिखेंगे मीटर। इधर भी जो हम यहां पे जो लेंथ लिखेंगे वो भी मीटर में ही लिखेंगे, क्योंकि यूनिट टू बी शोन में जो हमें छोटे से छोटा जो यूनिट हमें लेंथ शो करना है वो भी हमें मीटर में ही शो करना है। कहीं पे भी यहां सेंटीमीटर या डेसीमीटर या ऐसा कुछ भी दूसरा मिलीमीटर वगैरह ऐसा कुछ भी यहां पे लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मीटर के फॉर्म में ही शो करना है, तो हम हर तरफ मीटर ही लिखेंगे। तो ये हमने मेंशन कर लिया है मीटर और आरएफ। इधर का मीटर और इधर का मीटर हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये बॉक्स को हमें डिवाइड करना है, उसके बाद हम यहां पे मीटर में लिख लेंगे। तो ये बॉक्स को अब हमें डिवाइड करना है, तो ये बॉक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहले हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हम और वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहां पर ये जो कंप्लीट जो हम स्केल ड्रॉ कर रहे हैं इसमें फिलहाल ये जो पूरा स्केल है ये मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है, और मिनिमम फिलहाल ये 1 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो हर एक बॉक्स जो है वो 1-1 मीटर का है। तो ये जो पहला बॉक्स है ये भी 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये बॉक्स को हम और 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जब हम इसको और 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो फिर वो एक एक पार्ट जो है वो 0.1 मीटर ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां पे देखो यूनिट टू बी शोन में 0.1 मीटर हमें शो करना है। तो 0.1 मीटर के लिए हमें पहले बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके ये 0.1 मीटर मिलेगा। तो चलो पहले बॉक्स को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले बॉक्स का लेंथ क्या है? तो जो हम स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पूरा 15 सेंटीमीटर का था, 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट 2.5 सेंटीमीटर का है। तो इसको अगर हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये डायरेक्टली स्केल से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम यहां पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इंक्लाइन लाइन कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर का है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम एक काम करते हैं यहां पे दैट इज 5 सेंटीमीटर का एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कितना लंबा लाइन ड्रॉ करना या कितना छोटा लाइन ड्रॉ करना ये चॉइस आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने यहां पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लिया है, और हम ये इंक्लाइन लाइन को
10 पार्ट में यहां पे डिवाइड कर लेंगे। देखो ये देखिए ऐसा हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमने डिवाइड कर लिए। 5 सेंटीमीटर का लाइन है, 5 सेंटीमीटर के लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 5 mm इट मींस हाफ सेंटीमीटर का आएगा। तो ये हमने डिवाइड किए और अब ये जो लास्ट पार्ट जो है ये हम सबसे पहले यहां पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखो ये हम लास्ट पार्ट पहले यहां पे ज्वाइन कर लेंगे और अब सभी पार्ट्स इसको पैरेलल चलने देंगे तो बॉक्स जो है वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने ये नीचे ऐसा 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आपने जैसा नीचे डिवाइड किए हैं बिल्कुल वैसा ही आपको ऊपर भी डिवाइड करना है, क्योंकि अब हमें इसके पार्ट्स जो है वो डायगोनली ज्वाइन करना है। तो चलो अब इसके पार्ट्स हम डायगोनली ज्वाइन करना शुरू करते हैं। यहां पर अगर आपको नंबरिंग देना है तो यह है 0, ठीक है। यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर नंबरिंग देने के लिए थोड़ा सा स्पेस हम यहां पर दे देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। एग्जाम में आपको ये जो रेड कलर के पेन से हम जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं एग्जाम में आपको वो ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल का यूज करना है। अभी जो है यहाँ पे आपको दिखना चाहिए इसलिए हमने इसको इरेज किया है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी लाइन को इरेज नहीं करना है, ठीक है। जो हम ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको एग्जाम में डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो हम रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको एग्जाम में फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये है 0, ठीक है। देन ये 1 2 3 4 5 इट मींस ये 0.5, क्योंकि ये टोटल जो है ये बॉक्स 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा हमने कहा, और जब हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो हर एक पार्ट जो है वो 0.1 मीटर का है। ये 0.1 मीटर, देन 0.2 मीटर, देन 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, इस तरह से फिर आगे चल के दैट इज 0.9 मीटर और फिर 1 मीटर, इस तरह से ये ऐसा। तो ये 0.1 मीटर, ये 0.2 मीटर, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से। तो ये हम यहां लिखेंगे बीच में 0.5 मीटर, ठीक है, और लास्ट में हम यहां पे लिखेंगे दैट इज 1 मीटर, इस तरह से, ओके। और अब नीचे के पार्ट्स हमें ऊपर के पार्ट्स से डायगोनली ज्वाइन करना है जैसा हमने कहा, और डायगोनली ज्वाइन करते समय आपको क्या करना है, नीचे का 0th नंबर का पार्ट ऊपर के फर्स्ट पार्ट से ज्वाइन करना है, फिर नीचे का फर्स्ट पार्ट ऊपर के सेकंड पार्ट से ज्वाइन करना है, नीचे का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट से ज्वाइन करना है, फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट से ज्वाइन करना है, ऐसा आपको डायगोनली ज्वाइन करते हुए चलना है। तो चलो वो हम आपको यहां ज्वाइन करके बताते हैं। सबसे पहले 0th नंबर का पार्ट ऊपर के फर्स्ट पार्ट से हम ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल यहां पे लाइन बन जाएंगी। देखो ये हम आपको ज्वाइन करके बता रहे हैं, ये देखिए हमने ज्वाइन कर लिए, नीचे का 0th पार्ट ऊपर के फर्स्ट पार्ट से ज्वाइन कर लिए। जैसा हमने नीचे पार्ट लिए हैं बिल्कुल वैसे ही पार्ट हमने ऊपर भी लिए हैं, और अब देखिए नीचे का फर्स्ट पार्ट ऊपर के सेकंड पार्ट से हम ज्वाइन करेंगे। ये देखो हम आपको ज्वाइन करके बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह से फर्स्ट सेकंड से ज्वाइंट हुआ, और अब सेकंड थर्ड से ज्वाइंट होगा, थर्ड फोर्थ से ज्वाइंट होगा, इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी पार्ट्स डायगोनली ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहां पे हमने मेंशन कर लिया है मीटर, क्योंकि यहां पे हर एक पार्ट जो है वो 0.1 मीटर का हमें मिल रहा है, तो 0.1 मीटर जैसा हमने कहा तो ये यूनिट टू बी शोन में का 0.1 मीटर यहां पे हमें मिल गया, और अब 0.01 मीटर चाहिए। तो 0.01 मीटर कब मिलेगा, जब आप 1 मीटर को, जब आप 1 मीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, 1 मीटर को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.01 मीटर मिलेगा, ठीक है। 1 मीटर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर मिलेगा। देखो 1 मीटर को 10 से डिवाइड करने के बाद हमें 0.1 मीटर का एक एक पार्ट हमें मिल चुका है। देखो हमने 1 मीटर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए तो हर एक पार्ट 0.1 मीटर का मिल गया, लेकिन अब हमें 0.01 मीटर चाहिए तो उसके लिए 1 मीटर को हमें 100 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें 0.01 मीटर मिलेगा। तो ये कैसे होगा, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये डायगोनल स्केल को, ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड करना काफी आसान है। वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका हाइट क्या लिए थे, इसका हाइट हमने लिए थे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करना आसान है। हर एक पार्ट जो है वो यहां पे 5 mm का हो जाएगा। तो चलो हर एक पार्ट 5 mm का हम लेंगे और यहां पे इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। तो ये फर्स्ट बॉक्स को हमने वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब हम यहां पे नंबरिंग देंगे। तो ये जो एक पार्ट है ये यहां पे हम लिखेंगे दैट इज 0.01 मीटर, ठीक है। ये 0.01 मीटर रिप्रेजेंट करेगा, ये 0.02 मीटर, 0.03 मीटर, 0.04 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये फाइनली यहाँ पे 0.1 मीटर इस तरह से हमें मिल जाएगा। और ये बीच में हम लिखेंगे 0.05 मीटर, ठीक है, बीच का पार्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये जो हमने 10 पार्ट में जो हमने डिवाइड किए हैं सभी पार्ट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये पूरा लास्ट तक जाएगा। तो चलो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो फाइनली ये सभी पार्ट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है और ये स्केल कंप्लीट कर लिया है। एक काम करते हैं, ये कंफ्यूजन कम करने के लिए ये 0.01 के फॉर्म में लिखने के बजाय एक काम करते हैं, इसको 0.1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम इसको 0.1 के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ज्यादा एक्यूरेट ये समझ में आएगा। देखो ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और अब चलो चेक करके देखते हैं कि ये जो हमने पूरा स्केल बनाया है वो जो हमने डाटा लिखे थे उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये जो स्केल है ये मैक्सिमम 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है और मिनिमम 0.01 मीटर का लेंथ मेजर कर सकता है। चलो यहां पर हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो 6 मीटर, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर और इधर 6 मीटर, तो टोटल हो गया ये 6 मीटर तक का लेंथ मेजर कर सकता है और मिनिमम 0.01 मीटर हमने कहा था। तो चलो बताते हैं कि 0.01 मीटर कहां पे है। तो सबसे पहले देखो ये 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, ये 0 और आखिरी में क्या लिखा है, 1, 0 और 1, इट मींस ये हो गया 1 मीटर। तो ये जो पूरा बॉक्स है ये 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये 1 मीटर के बॉक्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए, इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिला के टोटल ये 100 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 1 मीटर के बॉक्स को 100 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1/100, तो हर एक पार्ट हमें कितने का मिला है, 0.01 मीटर का मिला है। चलो वो कहां है वो आपको बताते हैं। ये 0 से स्टार्ट करो। देखो ये 0 के ऊपर ये जो फर्स्ट पार्ट है, 0 के ऊपर का फर्स्ट पार्ट 0.01 मीटर का, फिर उसके ऊपर 0.02 मीटर का, फिर उसके ऊपर 0.03 मीटर, 0.04 मीटर, 5, 6, 7, 8, फिर ये आएगा 0.09 मीटर और फिर यहां आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, यहां आएगा 0.1 मीटर, फिर उसके बाद यहां नीचे से ऊपर ये है 0.11 मीटर, फिर 0.12 मीटर, 0.13 मीटर, 0.14, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 0.19 मीटर और फिर यहां आएगा 0.2 मीटर। ठीक है, इस तरह से फिर यहां आएगा 0.21, 0.22, 0.23, इस तरह से 0.3 मीटर, फिर 0.45, 6, 7, 8, 9 और ये आएगा 1 मीटर। इसलिए हमने यहां पे 1 मीटर लिखा है। हमने जो पहले जो लिखे थे वो सिर्फ एक बॉक्स के लिए थे, लेकिन पूरे बॉक्स के लिए अगर हम चेक करें तो पूरे बॉक्स के लिए इस तरह से ये होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमने 0.01 मीटर कहा है वो हमने आपको बता दिए, 0.1 मीटर कहा है वो भी हमने यहां आपको बता दिए, हर एक पार्ट जो है वो यहां 0.1 मीटर का है। और अब जो यूनिट टू बी शोन में जो रिमेनिंग जो डिस्टेंसेस यहां पे शो करने के लिए कहा था अब वो हम शो करेंगे। तो सबसे पहले 5.55 मीटर, तो 5.55 मीटर कैसे शो करेंगे, देखो ये जो 5.55 मीटर है इसको आप डिवाइड करो। 5.55 मीटर को जब आप डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट आएगा 5 मीटर का, ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा दैट इज 0.5 मीटर का, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हम यहां नहीं यहां लिखते, 0.5 मीटर का, और तीसरा पार्ट आएगा 0.05 मीटर का, ये देखिए इस तरह से। और जब आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो जाके 5.55 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 5.55 मीटर शो करते समय आपको ये तीनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 मीटर, तो देखो 0 से लेके इधर है 5 मीटर, ओके, तो ये शो हो गया 0.5 मीटर, पहले शो हो गया यहां से लेके इधर 5 मीटर। और अब देखो 0.5 मीटर, 0.5 मीटर कहां है, तो ये देखिए ये 0, ये 0.1 मीटर, 0.2, 3, 4, 5, ये है 0.5 मीटर का लाइन। ठीक है, तो यहां है 0.5 मीटर, ओके, और अब 0.05, तो ये जो 0.5 मीटर की जो लाइन थी इसके ऊपर 5 पार्ट चले जाओ, यहां से 1, इट मीन्स ये 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और ये आएगा 0.05। देखो यहां पे हमें एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, यहां है ये 0.05 का, तो ये हमने शो किए। और अब यहां से लेके यहां तक ये देखिए ये जो लेंथ है यही है 5.55 मीटर का लेंथ। देखो यहां से लेके यहां तक 5.55 मीटर हो जाएगा। यहां पे 0 का लाइन है तो 0 से उधर 5 मीटर, ठीक है, यहां से इधर 0.5 मीटर और यहां से इधर 0.05 मीटर, इस तरह से ये 5.55 मीटर। तो यहां पे हम इसके ऊपर लिख लेंगे क्या, 5.55 मीटर, इस तरह से ये हम यहां लिख लेंगे, ओके। और अब नेक्स्ट डिस्टेंस हम शो करेंगे। देखो तीन डिस्टेंसेस हमें यहां पे शो करने के लिए कहा था, उसमें से पहला डिस्टेंस हमने शो कर लिए और अब देखो 4.44 मीटर शो करेंगे। तो अगर आपको 5.55 में अगर कंफ्यूजन था तो देखो 4.44 में वो दूर हो सकता है। तो 4.44 को डिवाइड करो, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला आएगा 4 मीटर का पार्ट, ठीक है, पहला 4 मीटर, फिर दूसरा आएगा 0.4 मीटर और तीसरा आएगा 0.04 मीटर, ठीक है, फिर ये टोटल बन जाएगा 4.44 मीटर, ऐसा बन जाएगा,
ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले 4 मीटर, तो 0 से लेके इधर है 4 मीटर, ठीक है ओके। फिर है 0.4 मीटर, तो 0.4 मतलब ये जो 0.5 का जो था पार्ट उसके पहले, तो ये है 0.4, और यहां से 0.04, तो यहां से आपको 4 यहां से पार्ट्स काउंट करना पड़ेगा, तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये देखिए यहां पे, इट मीन्स ये 0.01, 0.02, 0.03 और ये है 0.04। देखिए ये है 0.04 का पार्ट, और यहां से 4 की लाइन पे आपको शो करना है, ये देखिए ये 4 की लाइन पे इस तरह से, ये देखिए, और ये जो हमें लेंथ यहां पे मिल जाएगा ये रहेगा 4.44 मीटर, इस तरह से ये हमने यहां लिख लिए ओके। यहां से लेके देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और अब लास्ट 3.33 मीटर, तो 3.33 मीटर के लिए भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, हम यहां पे आप डायरेक्टली शो कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 मीटर, तो यहां से इधर 3 मीटर, फिर 0.3 मीटर, तो ये देखिए 0.4 के पहले 0.3 का लाइन है, और यहां से 3 पार्ट्स ऊपर चले जाओ 1, 2, 3, तो ये देखिए यहां यहां आएगा, इट मीन 0.01, 0.02 और ये 0.03, और यहां से इधर ये देखिए इस तरह से ये एक यहां पे डॉट बना देंगे। डॉट इसलिए बना रहे ताकि वो जो लेंथ है वो पता चल सके इस तरह से, और अब यहां पे हमें लिखना है 3.33 मीटर, 3.33 मीटर। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा स्केल बना लिए और सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये स्केल आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये था डायगोनल स्केल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।